हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 3। और ये जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सेकंड पार्ट का कंटिन्यूशन है। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट टू पार्ट्स, तो मैं लिंक जो है ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आपको आई बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए। और उसके बाद ही आप पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आईआर का थर्ड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरुआत करते हैं। तो इसका जो हमारा पार्ट होने वाला है ये है रीडिंग द बिग बैंग्स। तो रीडिंग द बिग बैंग्स क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो बिग बैंग्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी है, ये बताती है कि यूनिवर्स किस तरीके से जो है, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। तो वैसे ही आईआर का जो बिग बैंग है वो ये बताता है कि जो आईआर की शुरुआत है वो किस तरीके से हुई। तो कहने का मतलब ये है कि बिग बैंग ये बताने की कोशिश करता है कि बिग बैंग जो है वो मतलब आईआर की शुरुआत कैसे हुई। अब आईआर की शुरुआत के लिए आपको हमेशा बताया जाता है कि आईआर की शुरुआत हुई वेस्टफेलिया से, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से जो है आईआर की शुरुआत हुई। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, ये जो है हम क्यों हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वेस्टफेलिया से इसकी शुरुआत हुई, इसका क्या कारण है वो हमें समझना है। जैसे कि मॉर्गेंथो भी अपनी बुक में बताते हैं पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन में, कि रिलीजियस वॉर ख़त्म होने के बाद जो है मॉडर्न स्टेट सिस्टम इमर्ज होकर आया और इसी के साथ जो है आईआर की शुरुआत हुई। तो ये हम ऐसा क्यों हमेशा समझते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इतना बड़ा है, हम सिर्फ यूरोप के कंटेक्स्ट में से क्यों समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी मानते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि 1919 में जो लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो लीग ऑफ नेशन के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है इसका जो है आईआर डिसिप्लिन का जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनका अलग अलग जो है मानना है इस रिगार्ड में। तो मैंने आपको बताया कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि आईआर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ यूरोप के मतलब लीग ऑफ नेशन के एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कुछ स्कॉलर्स ऐसा समझते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टफेलिया की ट्रीटी। दोनों भी चीज़ें जो है अलग अलग स्कॉलर्स के बीच में जो है डिस्प्यूट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वेस्टफेलिया की ट्रीटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आती है कि वेस्टफेलिया की ट्रीटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद एक चीज़ जो है वो इमर्ज होकर आई, जिसका नाम था सॉवरनिटी। सॉवरनिटी का कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री जो है दूसरी कंट्री के ऊपर जो है मतलब सॉवरीन है, मतलब हर कंट्री अपने आप में क्या है, सॉवरीन है। ठीक है, अल्तो उस टाइम के बाद भी बहुत सारा अनेक्सेशन वगैरह हुआ, बट सॉवरनिटी का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हर कंट्री जो है अपने आप में क्या है, सॉवरीन है, दूसरी कंट्री उसके ऊपर रूल नहीं कर सकती, एक एनार्किक सेटअप का जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जो है उभर कर आता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और लीग ऑफ नेशंस क्या होता है, लीग ऑफ नेशंस के साथ शुरुआत इस बात की हुई कि पीस एंड कॉपरेशन के लिए आपस में जो है हम संबंध बना सकते हैं, रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों भी चीज़ें अगर हम समझें तो ये दोनों भी चीज़ों में इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम तक आज़ाद भी नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है ये नहीं एग्जिस्ट करता, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको समझें। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में समझने से पहले एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है ई.एच. कार। आपने जो है इनकी बुक का नाम सुना होगा, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। वैसे व्हाट इज़ हिस्ट्री करके इन्होंने बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बताया था, मैंने आपको बताया था, समझाया था, हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है एक अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। तो वैसे ही ई.एच. कार की एक और बुक है 20 ईयर क्राइसिस, उसमें उन्होंने बताया है, मैकियावेली का एग्जाम्पल लिया है। मैकियावेली आपको पता है कौन है, 15th सेंचुरी स्कॉलर है, थिंकर है, एक बहुत रियलिस्ट थिंकर है ये। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो है बुक लिखी है द प्रिंस। तो इनके आइडिया से उन्होंने शुरुआत की, इन्होंने बताया कि इसकी जो आईआर की जो शुरुआत है, ई.एच. कार बताते हैं इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू हुई, इसकी शुरुआत शुरू हो गई थी मैकियावेली के पॉइंट से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, वो ये बताने की कोशिश करते हैं। तो मैकियावेली ने अपने प्रिंस को क्या बताया था, मैकियावेली ने बताया था कि कैसा रिलेशन आपको दूसरी कंट्रीज के साथ मेंटेन करना है, अनेक्सेशन किस तरीके से करना है, पावर के लिए स्ट्रगल किस तरीके से करना है। देखिए, इसमें हम जब आगे जाएंगे ना, आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी, मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ तो थोड़ा सा आपको जो है क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ फिर से सिलेबस की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें डिफरेंट परस्पेक्टिव होते हैं। जैसे आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा, लिबरलिज्म पढ़ा था आपने, मार्क्सिज्म पढ़ा था, एनार्किज्म पढ़ा था, फेमिनिज्म पढ़ा था, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में भी डिफरेंट परस्पेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज होती है। तो सबसे
इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक तो आपको थ्योरीज के बारे में मैं बताऊंगी, उसमें रियलिज्म की एक जो थ्योरी होती है, रियलिज्म की थ्योरी के जो प्रोपाउंडर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, वो है मॉर्गेंथो। और वो ये बताते हैं कि पावर जो पॉलिटिक मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, इट इज़ उन्होंने डिफाइन उस तरीके से किया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो ये रियलिस्ट थ्योरी हो गई, ठीक है। एक होती है लिबरलिस्ट थ्योरी, लिबरलिज्म की जो थ्योरी होती है, मतलब ये बिलीव करते हैं कि देर इज अ स्कोप ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन का भी यहाँ पर स्कोप है। एक होती है मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी अलग तरीके से इसको डील करती है। एक होती है फेमिनिस्ट थ्योरी और एक होती है कंस्ट्रक्टिविज्म वाली थ्योरी। तो दो चारों पाँचों थ्योरी के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो जो पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मैकेवेली थे, मैकेवेली को बहुत ज़्यादा रियलिस्ट माना जाता है, तो मैकेवेली जो है वो किस क्राइटेरिया में फॉल हो गए, वो रियलिज्म के क्राइटेरिया में फॉल हो गए। डिटेल में मैं आपको बाद में जो वीडियो बनाऊंगी, और ऑफ कोर्स जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है हम समझेंगे कि जो हमारा सेकंड वाला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको रियलिज्म के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आपको ये समझना है कि रियलिज्म जो स्कॉलर्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। हर कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। बाकी सब फालतू बातें हैं, बाकी सब भ्रम है, बाकी सब ये सब चीज़ें हैं जो कि पीस कोऑपरेशन ये वो, हर कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है, ठीक है। यही जो है सच्ची कहानी है। तो ये जो है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो सब जब हर चीज़ पावर के कंटेक्स में है, तो कार क्या बताते हैं, ईएच कार भी पावर के कंटेक्स में बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो दो चीज़ों के बीच में जो है क्राइटेरिया मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, एक रियलिज्म और एक उटोपिनिज्म। उटोपिनिज्म आपको बहुत अच्छे से पता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता ना कर सकता है, जो बिल्कुल बोलते हैं ना रियलिटी वाली, मतलब जो सॉरी कल्पना वाली बातें हैं कि सब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है सब बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, कोई किसी से जो झगड़ेगा नहीं, ये उटोपिनिज्म है, ठीक है। तो रियलिज्म और उटोपिनिज्म के बीच में जो है कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करने की जो प्रॉपर्टी है, ये जो है ई एच कार ने की थी, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया था। तो अब उन्होंने डिस्टिंग्विश कैसे किया, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स होता है ना उसमें कोई एथिक्स और मॉरलिटी की बात नहीं होती है, ठीक है। तो मॉरलिटी और एथिक्स की कोई बात नहीं होती। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में है, इंडिया में आप कोई भी कंट्री में देख लीजिए, क्योंकि मैं बिलीव कर रही हूँ कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस किसी भी हद तक चल जाते हैं पावर में आने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब कोई मॉरलिटी कोई एथिक्स नहीं देखते, हेट स्पीच दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रॉस कर देते हैं। मॉरलिटी और एथिक्स की तो बात छोड़ ही दो। तो बेसिकली यही बात जो है ई एच कार बताते हैं अपनी बुक में कि मॉरलिटी और एथिक्स का कोई भी जो है जगह नहीं होती इन पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पावर, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो भी पावर ही है, ठीक है। और पॉलिटिक्स इनफैक्ट हर चीज़ को अफेक्ट करता है, एथिक्स को भी और मॉरलिटी को भी अफेक्ट करता है। मतलब जो ये बहुत एक डिटेल मुद्दा है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का अगर आपने सिस्टम फंक्शनल अप्रोच पढ़ा होगा तो उस चीज़ पे आपको जो है थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकते हो आप। मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर एक जो पॉलिटिकल पार्टी आती है उसके लिए जो चीज़ सही है मतलब वो सही है, क्योंकि कानून तो वही बनाती है और कानून वही हटाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो चीज़ सही है वो पूरी जनता के लिए सही हो जाएगी, और जो उसके लिए गलत है वो पूरी जनता के लिए गलत हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिक्स ही मतलब जिसके हाथ में होते ना, जिसका डंडा से कुछ अच्छा मुहावरा है, आई एम फॉरगेटिंग इट, बट कहने का मतलब ये है कि जिसके हाथ में पावर होती है वही इंसान जो है क्या करता है, जिसके हाथ में पावर होती है वही इंसान जो है अपना जो है हुकुम चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स जिसके हाथ में पावर रहेगी वो इंसान एथिक्स और मॉरलिटी को भी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे डिसीजंस आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लगेंगे कि नहीं ये अनजस्ट है, ठीक है, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि आपकी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो चाहेगी वो चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ सोसाइटी, ठीक है, जिसे हम इनपुट और आउटपुट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। वो आपने कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप जाकर मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में जो है आईआर को किस तरीके से समझाया जाता है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को समझाते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है, और आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कैसे समझाते हैं, कोऑपरेशन एंड पीस। आपने बहुत बार सुना होगा एक टर्म कि जवाहरलाल नेहरू बहुत आइडियलिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू बहुत आइडियलिस्ट थे।
और मतलब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियलिस्ट कहा गया है और उनको जो आइडियलिस्ट कहा गया है, तो आइडियलिस्ट की पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप कॉपरेशन और पीस की बात करो, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जो है वो जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन को भी डेवलप नहीं कर रहे थे, उन्होंने जो है फिर कहीं ना कहीं जो चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की, पंचशील एग्रीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने इन रिटर्न क्या किया, मतलब कहते हैं ना जैसे कि चाइना ने इतना अच्छे से काम करने के बावजूद क्या किया, इंडिया पर अटैक कर दिया। और जो है अक्साई चीन वाला रीजन और वो सब जो है आपको पता है, आपने पढ़कर आए ऑलरेडी 12th क्लास में, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता ही है कि चाइना ने हम पे अटैक कर दिया और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है। और चाइना ने बहुत ज़्यादा जो है बुरी तरीके से हमें जो है हरा दिया आप कह सकते हैं। तो आइडियलिस्ट का पर्सपेक्टिव ये होता है। फिर रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव ये होता है कि नहीं, रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव हमेशा पावर के बारे में डील करेगा, आइडियलिस्ट का पर्सपेक्टिव डील करेगा कॉपरेशन एंड पीस के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक नया फिनोमेना है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब ये कहता है कि सोशलाइजेशन लॉजिक ऑफ कंसिक्वेंसेज, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दोनों भी चीज़ों का कंपोनेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना डायग्राम के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या आएगा, रियलिज्म का भी पॉइंट है और आइडियलिज्म का भी पॉइंट है। मतलब ना ज़्यादा आइडियलिस्ट हो जाना है कि बिल्कुल मतलब बॉर्डर खोल के बैठ गए हैं, जिसको आना है अटैक कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ज़्यादा रियलिस्ट होके बैठ जाना है कि बिल्कुल गन लेके बैठे हैं, जो आएगा उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के पर्सपेक्टिव को मिलाकर कंस्ट्रक्टिविज्म बना है कि दोनों भी चीज़ें मतलब जिसके साथ आप कॉपरेशन से काम करके अच्छा कुछ निकाल सकते हो, साइंटिफिक फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हो, या जिससे आप कुछ इम्पोर्ट ले सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो जिस कंट्रीज़ को, उनके साथ आप कॉपरेशन बनाएंगे, ठीक है। और जिन कंट्रीज के साथ जो बातों से नहीं मान रही, उनको बोलते ना लातों की भूत भातों, उस बातों से नहीं मानते, तो मतलब आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा रियलिस्ट होना पड़ेगा। तो ये दोनों भी पर्सपेक्टिव जो है ये कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आते हैं। और इसके अलावा भी कंस्ट्रक्टिविज्म ये है, बताता है कि आपको जो है जब जब जरूरत पड़े तो रियलिस्ट होना होगा, जब जरूरत पड़े तो आइडियलिस्ट होना होगा। तो अभी तक की आपको जो शुरुआत है, शुरुआत में हमेशा आपको हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि हमेशा से जो है वेस्टफेलिया के ओरिजिन से आपको जो है आईआर की शुरुआत बताई जाती है। एक बहुत यूरोसेंट्रिक अप्रोच है। यूरोसेंट्रिक अप्रोच क्यों है, यूरोसेंट्रिक अप्रोच ये है, मतलब ऑफकोर्स ही बात है वेस्टफेलिया की ट्रिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं था। इंडिया में कभी ऐसा रिलीजियस वॉर नहीं हुआ, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट इंडिया में थे ही नहीं, मतलब अब है ऑफ कोर्स, बट कहने का मतलब उस टाइम पे नहीं थे जब 16th 17th सेंचुरी की बात हो रही है, और इस तरीके की कुछ चीज़ हमारे पास नहीं हुई। लेकिन तो हर चीज़ हम यूरोप के कंटेक्स्ट में क्यों पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था हमारा इंडिया का, ठीक है। इंडिया का क्या, मोस्टली कंट्रीज़ का आप देख लीजिए जो कॉलोनाइज थी, ना वर्ल्ड वॉर 1 से कोई लेना देना है, ना वर्ल्ड वॉर 2 से कोई लेना देना है, ना कोई कोल्ड वॉर से लेना देना है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं हमारा, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 उसको कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ कंट्रीज़ के बीच का वार है, उसमें कोई पूरा वर्ल्ड भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और इंडिया इन्वॉल्व रहेगा, इंडिया की आर्मी जाएगी, लेकिन एज अ पैसिव, ठीक है, एज अ पैसिव कॉलोनी वो इन्वॉल्व रहेगा, उसका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सेम केस है, ठीक है, हमारी आर्मी जाएगी लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है हर चीज़ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब यूरोप के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। कोल्ड वॉर में भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, यूएसएसआर और यूएस आपस में लड़ रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ हम यूरोप के कंटेक्स्ट में क्यों पढ़ते हैं, हम आईआर इंडिया का क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसलिए अब आपका जो सिलेबस है थोड़ा रिसेंटली जो है चेंज किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, और हर चीज़ आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप यूरोप का पढ़ो ही मत, लेकिन इंडिया का भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री की इंटरनेशनल रिलेशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अडॉप्ट किया था, ठीक है, एक टाइम पे जो है वो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड थी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज अलग होती है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप हर कंट्री के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी रही है। हर चीज़ यूरोप के कंटेक्स्ट में आपको नहीं पढ़ना है। और बहुत सारी आपको पता है कंट्रीज़ जो है, मतलब आपको पता था, आपको आई होप पता होगा कि अपार्ट फ्रॉम ये जो बड़े बड़े वॉर्स होते हैं ना, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे वॉर्स हुए थे। और छोटे छोटे वॉर्स हम नहीं कह सकते क्योंकि वॉर कभी छोटा नहीं होता, उसमें लाखों की जान जाती है। और बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत सारे वॉर्स ऐसे हुए थे, पैंडेमिक्स आए थे। इंडिया में आप देखेंगे 1919 का जो फेज़ था पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब लाखों लोगों की जान गई थी, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें हो रही थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, बहुत सारे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में वार हो रहा था, वियतनाम आप देख लीजिए, मतलब उस सब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात सिर्फ किसके बारे में होगी, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वार के बारे में बात होगी, बल्कि कोल्ड वार जो है वो तो कोल्ड ही था, उसमें तो ऑफकोर्स ही बात है कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ था बट इतना आता जो है नुकसान नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ सिविलियंस। लेकिन जो मेन जहाँ पर वॉर हो रहे थे वो सब कंट्रीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसको बोल दिया जाएगा और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें जो है बताने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हम पूरा फेज है जिसको हम 1945 से 1990 के बीच में बोल देते हैं कोल्ड वार एरा, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड वार एरा के बीच में कितनी कंट्रीज आज़ाद हुई आपको पता है वर्ल्ड की? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कितनी कंट्रीज ऐसी है जो इस पीरियड में आज़ाद हुई, अगर आप सर्च करके लिस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इस फेज को क्या कह सकते हैं, कोल्ड वार एरा कह देते हैं। तो मतलब हम कितना ज़्यादा यूरो सेंट्रिक होते जा रहे हैं इन द कंसेप्ट ऑफ स्टडिंग एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली इंटरनेशनल रिलेशन, अब पॉलिटिकल साइंस भी जो है यूरो सेंट्रिक अप्रोच से पढ़ते हैं। मैंने आपको यही कहा कि जब आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, आपकी जो टेक्स्ट बुक आती है उसमें आप देखना कितने स्कॉलर्स जो है वेस्टर्न कंट्रीज से हैं, कितने स्कॉलर्स इंडियन कंट्रीज से हैं। मुझे लगता है आपको एक से दो ज़्यादा स्कॉलर जो है इंडिया के मिलेंगे, ठीक है। इंडिया का कोई भी कंट्री ले लीजिए, इंडिया के अलावा दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज आप देखेंगे कोई भी कंट्रीज आपको नहीं मिलेंगे, मोस्टली आपको जो है वेस्ट मतलब US और यूरोपियन कंट्री से मिलेंगे। तो हमारी अभी तक के जो स्टडीज हम कर रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा बायस्ड है, एक तरीके से हम देख सकते हैं न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव जान रहे हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका पर्सपेक्टिव हम नहीं समझ रहे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं यूरोपियंस को छोड़ के, ऐसा नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतनी बड़ी जो महाभारत कहानी बताने का क्या आपको मकसद था, घुमाने फिराने का क्या मकसद था। ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमें जो इस तरीके से इतना सिंपल सिंपल पढ़ा दिया जाता है ना कि इधर से लेके इधर तक वर्ल्ड वार हुआ, इधर से लेके इधर तक वर्ल्ड वार हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है जो हमारे नज़रों में नहीं है, जिसे हम नोटिस नहीं करते और इसे हमें नोटिस नहीं करवाया जाता बिकॉज हमारा सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइंड है, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि वेस्टफेलिया के, अगर हम बात करें वेस्टफेलिया के कॉन्स के बारे में, कि अगर वेस्टफेलिया के नज़र रखते हुए अगर हम उसको पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके क्या नुकसान है। पहला नुकसान, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि 1990s ऑनवर्ड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था इंडियन कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, ठीक है। मैं 1990s ऑनवर्ड्स, अगर इंडियन कंटेक्स्ट को आप छोड़ दें तो आप कोई भी पीरियड ले सकते हैं, 1950s ऑनवर्ड्स भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा था इससे क्या हुआ, इससे हुआ MNC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। MNCs का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि कंट्रीज़ एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गई। पहले भी ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है, पहले भी ट्रेड होती थी, पहले भी ट्रांसपोर्ट था, पहले भी कम्युनिकेशन था, भले ही घोड़े पे जाते थे, हाथी पे जाते थे, ऊंट पे जाते थे, ठीक है, लेकिन पहले भी था, ठीक है, कम्युनिकेशन भी हुआ करता था, भले ही पत्रों के द्वारा हुआ करता था लेकिन हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन, अब जो न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है तो बेसिकली 20th सेंचुरी में इसका जो फॉर्म है वो कैसा है, इसका फॉर्म ऐसा है कि ये आपस में कंट्रीज़ के इंटरडिपेंडेंस को बढ़ा देता है। मतलब एक कंट्री में जो है प्रोडक्शन होगा, दूसरी कंट्री में जो है उसका रॉ मटेरियल लाया जाएगा और तीसरी कंट्री में उसका मार्केट होगा, तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब ये बढ़ रही है वो हमको पता है, इससे क्या करना है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करते, दोनों जो है आपसी में एक्सेस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमिक्स जो है पूरा अलग तरीके का ब्रांच है और पॉलिटिकल साइंस अलग है, दोनों चीज़ें आपस में ओवरलैपिंग एरियाज है, ठीक है। तो जब बात आती है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है तो क्या वो पूरी तरीके से सॉवरेन है, ये एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो है इश्यूज आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं, ठीक है, जब हम यूनाइटेड नेशंस के पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ पावर यूनाइटेड नेशंस को देनी पड़ती है। मतलब यूनाइटेड नेशंस से अगर हमने कुछ करने के लिए कहा, ठीक है, वहाँ पर कोई चीज़ हमारे खिलाफ पास हो गई तो हमें वो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज इंटरनेशनल लेवल से आपको जो है ऑर्डर आया है, ठीक है। तो उसमें कुछ कंट्रीज वीटो पावर का यूज़ करती है, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है, बट कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, प्रीएम्बल में क्या लिखा है कि हम सॉवरीन है, ठीक है।
तो क्या हम सॉवरेन रह पाएंगे अगर हमारा जो इमर्जेंस हो रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स का, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह, तो इन सब के होते हुए क्या हम एक्चुअल में सॉवरेन हैं? क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करवाई गई। वर्ल्ड बैंक, IMF का पार्ट जो है वो इंडिया बना, उसके बाद इंडिया से बहुत सारी चीज़ें करवाई गई, जैसे उसको मार्केट ओपन करवाया गया, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाई गई जो इंडिया को नहीं करनी थी। तो क्या हम सही में सॉवरिन हैं? ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो बेसिकली जो वेस्टफेलिया में जो आइडियाज़ आए थे ये अब पुराने हो चुके हैं, अब कुछ हमें नया समझना है, ठीक है। तो नया समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अभी जो नया कंटेक्स्ट जो उभर कर आ रहा है उसमें हमें ये देखना होगा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ जो है क्या प्रॉब्लम्स और क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो ये मिथ है वेस्टफेलिया की, इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक की पूरी कहानी समझा दी, ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा दिया, अब जो है वर्ल्ड चेंज हो गया ये सब समझा दिया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि वेस्टफेलिया का जो ये मिथ है इसको ख़त्म करके अब हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से IR को समझना है। और ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से IR को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है 21st सेंचुरी के अंदर क्या करें, हम ये समझने की कोशिश करें कि IR में और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो अब हम समझेंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट तो हमने सब देख लिया 20th सेंचुरी में हो गया, 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। और अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो देखिए पहले के टाइम पे जिस तरीके की पावर्स हुआ करती थी, मोनार्कियल पावर्स होती थी, वो तो आपको पता है इरेडिकेट हो गई विद टाइम, डेमोक्रेसी के आने से ये जो है ये चीज़ पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि अब जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया MNCs का कॉन्सेप्ट उभर कर आया, और MNCs के कारण जो है स्टेट्स अपने आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए, मतलब कोई भी स्टेट किसी और स्टेट से पंगा नहीं ले सकता। मतलब इंडिया अगर चाहे तो वो चाइना से पंगा नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, बल्कि चाइना इज अ वेरी यू नो चाइना इज अ बिग एनिमी, चाइना इज अ बिगर एनिमी देन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट एन एनिमी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज और स्ट्रगल की वजह से जो है एक तरीके का जो स्ट्रेन रिलेशनशिप हो चुका है, बट चाइना के साथ कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप ट्रेस करें तो चाइना वॉज द वन जिसने जो है क्या कहते हैं 1969 में हमें जो है 1969 इफ आई एम करेक्टली सेइंग इट, तो जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है एक झटका दिया जिसके कारण, नो नो नॉट 1969, इट वाज मे बी 1959, राइट। तो वहाँ पर हमें चाइना ने जो है कहीं ना कहीं हमारी जो अक्साई चीन बॉर्डर वगैरह पे अटैक किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है फिर भी चाइना से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बंद नहीं करते, लॉट ऑफ चाइनीज आइटम इज स्टिल सर्कुलेटिंग इन इंडियन मार्केट। द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस बढ़ने के कारण अब जो है ये है कि अब विदाउट इंटरकनेक्शन विदाउट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन पीस ऑन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, जैसे यूनाइटेड नेशंस, नेटो, आशियान, EU, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सब जो है मतलब बनने लग गई ताकि एक तरीके से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। कुछ इसमें से कुछ पर्टिकुलर आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस किसके लिए है, नाटो किसके लिए है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है, यूरोपियन यूनियन किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो कुछ जो है पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के लिए स्पेसिफिक है, तो कुछ वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है। तो बेसिकली अब जो है जो सॉवरनिटी का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरीके का पहले हुआ करता था वो उस तरीके का नहीं रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आया है, और वो क्या चेंज आया उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो विद द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर आई जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ट्रांसनेशनल कंपनी जिसे हम कहते हैं, कुछ NGOs उभर के आए, टेररिस्ट ग्रुप उभर के आए, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन उभर के आई। तो इससे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज होने लग गए, मतलब अब जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ के वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। हमें कुछ लोन चाहिए तो हम उनसे मांग सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेडनेस हमारी बढ़ चुकी है। सिमिलरली
वैकेंसीज के होने की वजह से हमारी यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे चीज़ों में हो रही है। और साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि उसके बावजूद स्टेट जो है, आपने देखा होगा 1990s ऑनवर्ड्स एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो पिलर जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्लोगन जो है वो कहीं ना कहीं जो है कॉइन आउट हो रहा था, जिसमें हम कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये जो आइडिया है गवर्नमेंट वर्सेस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ समझ जाइएगा, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस का, तो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। गवर्नेंस मतलब किसी चीज़ को गवर्न करना, एक आर्ट है गवर्नेंस, ठीक है, कला है, ठीक है, इस तरीके से किसी चीज़ को संभाला जा रहा है क्योंकि संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। और गवर्नमेंट मतलब एक पॉजिटिव सेंस है, और गवर्नमेंट यानी ये होता है कि एक तरीके की अथॉरिटी है, एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं ये जो है डिफरेंस है, ये डाइकोटॉमी है। 1990s ऑनवर्ड्स हमको देखने को मिलता है, पहले क्या हुआ करता था अगर आपको पता है, हम हमारे अकॉर्डिंग डॉलर की वैल्यू सेट करा करते थे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम बोल रही हूँ। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, ठीक है, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11th 12th में तो आपको पता होगा। अभी जो हम देखेंगे, एक टाइम पे ऐसा था जब इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब उन्होंने जो है रुपी को डीवैल्यू करा था, ठीक है, डॉलर का, आई थिंक 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने किया था, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू सॉरी 1 डॉलर इज इक्वल टू 5 इंडियन रुपीज़, ठीक है। आज डॉलर की प्राइस देखिए कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड सिस्टम, एक होता है हमारा फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दोनों भी होते हैं, आज के टाइम पे जो है हम मैनेज फ्लोटिंग में दोनों में है, मतलब हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं ऊपर नीचे अपने हिसाब से, बट अब जो है मार्केट के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई डिमांड पे जो है डॉलर की वैल्यू फिर भी मोस्टली डिपेंडेंट है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारी कंट्री जो है हमारी इकोनॉमी नहीं कंट्रोल कर सकती, पहले हमारी कंट्री ने हमारी इकोनॉमी भी कंट्रोल करके रखी थी, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि ब्रेड, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जहाँ पर जो है अपना रूल बना सकती थी, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री थी वो थोड़ी सी प्रो सोशलिस्ट थी, ठीक है। कंपैरिजन टू 1990 हमारी कंट्री कैसी थी, मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में क्यों बता रही हूँ, ये आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी इंडिया के कंटेक्स्ट में बताने से आपको एक आइडिया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम आउट करना है। प्रो सोशलिस्ट कंट्री थी हमारी, ठीक है, बिफोर ग्लोबलाइजेशन, और बाद में बिफोर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमारी जो कंट्री हो गई वो प्रो कैपिटलिस्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वर्ल्ड बैंक और IMF से हमें फोर्स मिला कि नहीं, आपको जो अपनी बॉर्डर्स ओपन करनी है फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो वहाँ पर आके आप MNCs भी सेटअप कर सके और वो आपके कंट्री को एज अ मार्केट यूज़ कर सके। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारे हमें जो है हमारी बॉर्डर्स जो है ओपन करनी पड़ी, और फिर हम पे डाउट होने लग गया कि क्या हम सॉवरेन कंट्री हैं, क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड पावर जो है डिक्टेट करने लग गई थी, क्योंकि अब हम जो है फाइनली बहुत टाइम मतलब हम थोड़ा टाइम नॉन अलाइन में रहे, ठीक है, 1947 जब से हम आज़ाद हुए, ठीक है, तब से लेकर 1990 तक के हम थोड़ा सा जो है वर्ल्ड अफेयर्स में न्यूट्रल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जा चुके हैं तो अब जो है हम भी स्ट्रगल फॉर पावर कर रहे हैं, कहीं 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 हम भी जो है सुपर पावर बनने की कोशिश में है, कहीं पर हम भी जो है लाइन में खड़े हैं कि नहीं हमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो डेवलप्ड कंट्रीज को मिलती है। तो जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व होते हैं, वैसे ही जो है मतलब वैसे ही जो है आपको देखने को मिलता है कि IR का जो डिसिप्लिन है उस तरीके से इवॉल्व हुआ है इन द लास्ट सेंचुरी, और अब हमारे सामने जो IR है इसे जो है हमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं डी कॉलोनियल अकाउंट्स के बारे में। तो अब डी कॉलोनियल अकाउंट से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये हम कॉलोनीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कॉलोनीज़ की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, कहीं ना कहीं आप देखेंगे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज जो कॉलोनीज रह चुकी है हम उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है उनकी जो है फॉरेन पॉलिसीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो कंट्रीज़ आज़ाद हुई, स्पेसिफिकली जो कोल्ड वॉर एरा के अंदर मैंने आपको बताया जो कंट्रीज़ आज़ाद हुई उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी पॉलिसीज़ को अपनाया, वो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा ग्रैंड नरेटिव दे देंगे कि भाई रियलिज़म है, लिबरलिज़म है
और कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो ये तीनों चीज़ें देने के बाद इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे नेशन स्टेट्स को क्लासिफाई कर सके ये तीनों क्राइटेरिया में। कुछ कंट्रीज ऐसी होगी जो एक टाइम पे जो है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव फॉलो कर रही होगी, एक टाइम पे लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव फॉलो कर रही होगी, या हो सकता है एक ऐसा भी यू नो फॉरेन पॉलिसी हो किसी कंट्री की जो तीनों भी चीज़ों को कंबाइन करके जो है फॉलो कर रही हो, जैसे रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिविज्म को। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य बताते हैं कि जब हम आइडिया समझते हैं ना आईआर के बारे में, तो हम हमेशा बात करते हैं मैकेवली, हॉब्स, लॉक, कांट, कांट मतलब इमैनुअल कांट, लेकिन हम ये भी तो नहीं इग्नोर कर सकते ना कि अशोका ने क्या कहा, कौटिल्य ने क्या कहा, सुनजू ने क्या कहा, ऑफकोर्स ये चाइनीज़ हैं, इबन खालदून ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू और रॉल, उसके बाद फ्रांस फैनन, तो बहुत सारे डेवलपिंग वर्ल्ड ने क्या कहा, इनकी भी तो वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की ही वैल्यू है। तो अगर हमें आईआर को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह समझना है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह समझना है, तो हमें डी कॉलोनियल कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को यूरोसेंट्रिक तरीके से नहीं समझना है। प्लूरलिटी की हमें ज़रूरत है और हमें ये ज़रूरत है कि हम जो है कोई भी तरीके का ग्रैंड नरेटिव ना फॉर्म कर ले और हम जो है कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से और साउथ एशियन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। तो अब जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आईआर स्कॉलर्स हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी तरीके का सिस्टम को वो तीनों पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, जैसे इंडिया का जो सिस्टम है उसको ये नहीं बोल देंगे कि इंडिया रियलिस्ट है, इंटरनेशनलिस्ट है, कुछ भी नहीं कहेंगे, ग्रैंड नैरेटिव में उसको नहीं बांटेंगे, बल्कि कहेंगे कि इंडिया का एक खुद का डिस्टिंक्ट स्टाइल है। देखिए इंडिया का अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे वर्ल्ड लेवल में, तो इंडिया का एक खुद का डिस्टिंक्ट स्टाइल है। हम दूसरी कंट्री से अक्सर वॉर खुद नहीं करते ठीक है, हम थोड़े से पीस शांति प्रिय लोग हैं ठीक है, उसके बाद हमारा एक तरीके का बहुत अलग तरीके का कल्चर है, तो एक वो हमारा एक अलग तरीके का यू नो कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उस चीज़ को फॉलो करते हुए चीज़ों के साथ काम करते हैं, तो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी अलग है। वैसे ही अगर आप चाइना की देख ले तो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी अलग है, हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो बहुत सारे जितनी कंट्रीज है उतनी फॉरेन पॉलिसीज हो सकती है, और कोई भी तरीके का ग्रैंड नैरेटिव आपको बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो कोशिश क्या करनी है, आपको प्लुरलिज्म मेंटेन करना है आईआर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्टली अगर हम स्ट्रिक्टली जो है चीज़ों को ग्रैंड नैरेटिव में बांट लेंगे कि ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है ठीक है, तो इस तरीके से बांटने की वजह से क्या होगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से पूरी तरीके से कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत अलग अलग कल्चर है, म्यांमार अलग कल्चर है, थाईलैंड देख लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका देख लीजिए, तो सारी कंट्रीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम सारी कंट्रीज को एक हिस्से में डाल देंगे और उसको जो है अगर हम डाइवर्सिफाइडली नहीं पढ़ेंगे तो इससे जो है हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो चुका होगा, अब आज तक के इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और शुरुआत करेंगे अंडरस्टैंडिंग द गैनरोलॉजी ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर किस तरीके से इंडिया के जो टेक्स्ट है हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की क्या भूमिका रही है, इंडिया के क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं वो हम समझेंगे एंशियंट टेक्स्ट के द्वारा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पे बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।